मकई के रोटी तवा में, चिराग पासवान हवा में। तवा में चिराग पासवान हवा में, चिराग पासवान को हवा में उड़ा देना है जी। खुद चिराग जी से बदला लेने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, हम लोगों से ज्यादा ही लोग खुद मेहनत कर रहे हैं कि इस बार किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को हरा के दम लेंगे। अभी हम हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में, हमारे साथ नवादा से चल के आए महागठबंधन प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा जी है, अजय कुशवाहा जी है, रेणु कुशवाहा जी है, इनसे बातचीत करते हैं। रात्रि लगभग 10 बज रहा है, 10 बजे रात्रि में लगभग अपने समाज के, इधर कैमरा घुमा के दिखाइएगा, अपने समाज के लगभग हजार व्यक्ति, हजार की संख्या में ला कर इन्होंने अपने समाज को एकत्रित कर कर महागठबंधन प्रत्याशी को हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ हम इन्हीं से बात करते हैं और इन्हें बताते हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार अपने समाज को एकजुट कर कर महागठबंधन प्रत्याशी के लिए ले गए? कुछ दिन पहले आप कहीं और दिख रहे थे, अभी कहीं और, वजह क्या सर? कुछ खा लेते हैं, दिन भर भूखे हैं, अभी कुछ खाने के लिए मिला है। देखिए है क्या, चिराग पासवान जी ने जो किया है उसका सजा वो खुद भुगत रहे हैं। पार्टी को जिस तरीके से हम लोगों ने बढ़ाया था, हम थे, रेणु कुशवाहा जी थी, इंजीनियर रविंद्र सिंह जी थे, सतीश कुमार जी थे, डॉक्टर अरुण कुमार जी थे, ऐसे 22-23 लोगों ने, हम लोगों ने जब से पार्टी छोड़ा है, पार्टी का आम कार्यकर्ता पूरी तरह से नाराज था, एक भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला, इसलिए सबके सब नाराज थे। जब नाराज थे तो सब लोगों से आपसी सहमति बनी जी। और हम लोगों ने पार्टी छोड़ दिया जी। अब सामाजिक स्तर पर जब हम यहाँ घूम रहे थे, सभी जाति धर्म के लोगों से हम लोगों का जब संवाद हुआ जी। तो बड़ा आक्रोश था चिराग पासवान के प्रति, उसी आक्रोश के कारण हम लोगों ने जब पार्टी छोड़ा, लोगों के बीच आए, तो लोगों का निर्णय था कि चिराग पासवान को इस बार चुनाव हराना है। तो हम सब ने मिल के अपने अपने तरीके से अपने अपने समाज के लोगों के बीच जाके हम लोगों ने अवेयरनेस करने का काम किया। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हाजीपुर विधानसभा का ये सिंधुआड़ी पंचायत है, हजारों लोग यहाँ के जमा हैं और सब लोगों का कहना है कि हम लोग चिराग पासवान को भारी बहुमत से इस बार चुनाव हराएंगे। और आप देखिएगा 20 तारीख को यहाँ मतदान होना है, आपको मतदान में ही दिख जाएगा शाम शाम तक कि चिराग पासवान जी हवा में उड़ गए। चलिए, बहुत बहुत देखिए, इनका कहना था कि इस बार जो चिराग पासवान हम लोग के साथ किए हैं, उनके बदला लेकर हम लोग पूरे अपने समाज को एकजुट कर कर, देखिए हमारे साथ महागठबंधन प्रत्याशी जो नवादा से चलकर श्रवण कुशवाहा जी भी आए और इस अपने समाज को एकत्रित कर रहे। सर, क्या लग रहा है इस बार चिराग पासवान, कैसे देखिएगा उनको? देखिए, कुशवाहा समाज हमेशा से स्वाभिमानी रहा है जी, और जो यहाँ चिराग पासवान जी ठगने का काम किए हैं जी, और तेजस्वी जी सम्मान देने का काम किया है, निश्चित तौर पर कुशवाहा जाग गई है। और पूरे हाजीपुर की कुशवाहा ही नहीं, वो चाहे किसी जाति बिरादरी के हो, स्वर्ण समाज के लोग हो, आज स्वर्ण समाज की भी बड़ी एक बैठक हुई जी, महापंचायत लगी, और उसमें सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बार जो टाटा बाय बाय आके करते हैं चिराग पासवान जी, यहाँ से बैरंग जाएंगे और आने वाला 20 तारीख यहाँ से शिवचंदर राम जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, उसी का कैंपेनिंग हम लोग दिन रात कर रहे हैं। सर, आपको देख रहे हैं कि जैसे नवादा चुनाव खत्म हुआ, मुंगेर हो, जहानाबाद हो, हर जगह जा रहे, क्या देखने को मिलेगा इस बार महागठबंधन प्रत्याशियों को लेकर? देखिए, जो सम्मान बढ़ाने का काम किया है भाई तेजस्वी जी ने जी, इस बार पूरे बिहार जी तेजस्वी जय है और तेजस्वी मय। आप कह रहे तेजस्वी जय, तेजस्वी मय, उधर उधर कह रहा है NDA वाले, मोदी जी कह रहे हैं इस बार मोदी मैजिक चलेगा, मोदी गारंटी चल रहा है, और चिराग पासवान कह रहे हैं उनका हनुमान है, हनुमान जी का चलेगा, तो इस पर क्या कहें? जब चलिए इतना चल ही रहा है तो काले गली गली हाँफ रहे हैं, पूरा रोड शो कर करके एक प्रधानमंत्री क्यों हाँफ रहे हैं जी, समझ में आ जाएगा चुनाव के बाद। और यहाँ खास करके यहाँ के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, इस ग्राम वासियों को जनता से? चूंकि सभी जनता हैं अपने हैं, हम लोगों से ज्यादा एग्रेसिव ये लोग खुद हैं जी। खुद चिराग जी से बदला लेने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, हम लोगों से ज्यादा ये लोग खुद मेहनत कर रहे हैं कि इस बार किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को हरा के दम लेंगे ये लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ रेणु जी, इनसे भी बात करते, अभी तो नाश्ता कर रहे, लेकिन मैडम दो बात, क्या लग रहा है आप अपने समाज को एकत्रित कर कर क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग समाज को एकत्रित करके यही संदेश देना चाहते हैं कि कहा गया है मकई की रोटी तवा में, चिराग पासवान हवा में, मकई की तवा में, चिराग पासवान हवा में, चिराग पासवान को हवा में उड़ा देना है। हम लोग कुशवाहा हैं,
मकई मरुआ बैगन से संबंध रखते हैं जी। और चिराग पासवान ने जिस तरह हम लोगों के साथ ही नहीं समाज के साथ छल किया है, इसलिए उसको इस बार उड़ा के भेज देना है पुनः जमुई। अब कह रहे हैं कि हमारे ऊपर मोदी जी का हाथ है, तो इस पर कैसे देखेंगे? जनता का हाथ होना चाहिए ना। ये लोकतंत्र है, वोट की राजनीति है। तो जनता का हाथ होगा तभी वो जीतेंगे, और जनता का हाथ नहीं होगा तो हारेंगे। लग रहा है इस बार यहाँ की जनता उसकी पूर्ण तरीके से इनका जो व्यवहार रहा, इनका जो आचरण रहा राजनीति में, जो अपने पार्टी के टिकट को लोग नहीं देकर दूसरे को देने का, तो पूरे बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता समझ गई है कि किस मन मिजाज का आदमी है, तो समझ गई है। और बिहार की जनता सस्ती समझ रही है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहाँ चला गया, अब पैसा फर्स्ट, परिवार फर्स्ट हो गया है। तो कब तक परिवार और पैसा को फर्स्ट बनाते रहेंगे, और कब तक जनता सहती रहेगी? परिवारवाद में वैसे कह रहे तो तेजस्वी यादव को परिवारवाद कहा जाता है, तो आप उधर भी देख रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का परिवार है तो कौन नहीं परिवारवाद है, बोलिए ना। भाजपा से लेकर के जदयू से लेकर के लोजपा से लेकर के कोई ऐसा है जो जिसका बाप है बेटा नहीं है, जिसका बाप है बेटी नहीं है, सारे लोग उसमें है। तो अगर गरीब का पिछड़ा का नेता अगर तेजस्वी जी उसमें है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, रहना ही चाहिए। आपका समर्थन किनको जाएगा? हमारा समर्थन, हम सभी कुशवाहा समाज का समर्थन शिवचंदर राम जो आरजेडी गठबंधन का उम्मीदवार है उसके साथ जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।